नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसी बेनीवाल में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इंटर्नशिप के रिगार्डिंग जो बीएड फर्स्ट ईयर है, इंटरग्रेटेड थर्ड ईयर है, डीएलएड यानी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके स्कूल चॉइस फीलिंग में बड़ी दिक्कत आ रही है। आज हम उसी विषय पर बात करना चाहेंगे। उससे पहले मैं आप बता दूँ कि आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़े और आपके इंटर्नशिप से जुड़े जितने भी राज्य सरकार की ओर से आदेश आते हैं वो सब के सब मैं आपको वहाँ पर पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देता हूँ। इसके अलावा मैं लेसन प्लान भी आपके लिए जल्द ही वहाँ पर लेकर के आने वाला हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए समय समय पर इसी प्रकार की वीडियो लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों, अभी जो मैं बात करूँ तो बीएड का जो मेरे लगभग जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, ऐसे में जो बीएड की इंटर्नशिप थी वो स्टार्ट हो चुकी है और स्कूल चॉइस फिलिंग भी कल से हो रहा है। परसों तक नहीं हो रहा था, कल शाम से वो अच्छे से स्कूल चॉइस फिलिंग कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दो टेक्निकल इशू आ रहे हैं, जैसे कि सेशन नहीं मिल रहा है, राइट। जैसे 2021 का सेशन नहीं शो कर रहा है कुछ एक साथियों को, कुछ एक में जो प्रॉब्लम आ रही है यूनिवर्सिटी से ऑटोमेटिकली जो जेंडर रिगार्डिंग है, जैसे फीमेल हैं जो उनको मेल शो कर रहे हैं और जो मेल पर्सन है उनको फीमेल शो कर रहा है, तो ऐसे में ये भी टेक्निकल इशू है, ये अपने आप सॉर्ट आउट हो जाता है या कॉलेज वाले कर देते हैं, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बीएड वालों का धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि कुछ एक साथी के जो मेरे को मैसेज मिले हैं वो पॉजिटिव मिले हैं, उनका अच्छे तरीके से स्कूल चॉइस फिलिंग का प्रोसेस हो गया है, उनको वैकेंसी लिस्ट भी दिखा रहे हैं। अब मैं बात करूँ तो जो बीएससीसी फर्स्ट ईयर हैं उसके अलावा जो इंटरग्रेटेड थर्ड ईयर के साथी हैं उनको अभी तक ये सब कुछ शो नहीं कर रहा है। ऐसे में उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह एक बड़ा विषय है। अब इसके संबंध में उनकी इंटर्नशिप कब शुरू होगी मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके रिगार्डिंग मैंने जो पोर्टल पर निदेशक कार्यालय का आपको एड्रेस दिखाई देगा, मैंने उस पर मेल किया है। आशा करता हूँ जैसे ही मेरे को उनका मेल का रिप्लाई मिलता है उनसे, मैं आपको इसके संबंध में अवश्य अवगत करवाऊँगा। हालांकि मेल आप भी कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी प्रकार की शिकायत है तो आप शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर के आपको हेल्प एंड डेस्क का एक ऑप्शन दिखेगा, वहां से आपको कॉन्टैक्ट नंबर और मेल दोनों मिल जाएंगे। आप वहां से मेल कीजिए उनको और फ़ोन करके अपनी जो भी समस्याएं हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने मेल किया है, जैसे ही मेरे को सूचना आएगी मैं आपको सबसे पहले वो जो उनका रिप्लाई आएगा वो प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी अगर आपका और कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।